जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस कुमकर्णी नींद से जाग चुका है और लगातार अवैध शराब को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना ताजगंज पुलिस ने नकली शराब का पर्दाफाश किया है। जनपद आगरा में 23 तारीख से कुछ सूचना मिली थी, थाना ताजगंज और डौकी थाना क्षेत्र में कुछ लोग शराब सेवा करने से कुछ लोग का मृत्यु हुआ और उसके बाद थोड़ी सूचना मिलते हम लोग उन लोगों का कुछ लोग का पोस्टमार्टम कराया, कुछ लोग बिना पोस्टमार्टम में भी घर वाले ने अपने आप दफन कर दिया। फिर भी पुलिस ने जो पोस्टमार्टम कराया उसका विसरा रिपोर्ट निकल के आई थी। विसरा रिपोर्ट में मिताईलाल का रिपोर्ट कंफर्मेशन हुआ कि एकदम जहरीली शराब का सीरीडी में आती है। तुरंत पुलिस ने उसी के आधार पर FIR दर्ज कराया और FIR दर्ज करने के बाद हम लोग वहाँ पर पूरा गाँव से जो मृतक परिवार है और उनसे सबसे पूछताछ किया, इन लोग कहाँ से शराब ले आया और ये कहाँ से ले आता है, ये कब पिया, ये सब कुछ वेरीफाई किया। उसके आधार पर हमने दोनों थाना क्षेत्र में वहाँ का जो सब लोग का कहना ये है, दो जगह से उन्होंने दारू लिया है। ये जो नॉर्मल टाइम में दिन का टाइम पे जो लोकल जो देसी शराब का टैका है, जो सरकारी टैका है, उससे लिया कि पीता था, और जो अनइवन टाइम है, जो रात का टाइम है, सुबह का टाइम है, जो किस समय दुकान बंद रहता है, उस समय जो गांव में कुछ लोग अपना किराना का दुकान पे अपना घर पे लोग दारू पीसता था। इसके आधार पर पुलिस ने वहां पे कितना भी लोग है उसका नाम आया था, उसके आधार पर सब पुलिस ने लेके आया और इंट्रोगेशन किया। उस पर हम लोग का ये पता चला, एक बहुत बड़ा गैरो इस तरह का जो मिश्रित शराब, जो जहरीली शराब जो सप्लाई करने वाला को एक गैंग हम लोग का मिला है, जो ताजगंज थाना क्षेत्र में एक शराब तस्कर है, उनका नाम है दारा सिंह है, वो केरागढ़ का रहने वाला है। उनके साथ जो जुड़ा हुआ लोग, वो जो ताजगंज थाना क्षेत्र में चार लोग हमको मिला पता चला, उनसे सब लिंक इन लोग ने उनसे दारा सिंह का जो मिलावट दारू ले आके टैका में और गाँव में बेचता था, उसके आधार पर चार लोग हमने आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और डौकी थाना क्षेत्र में जो मेन वहाँ पे टेका का जो कंट्रोल करने वाला था, उनका नाम है हेमंत है, वहाँ पे कई दुकान उनका नीचे है, उनका जानना वाला, उनका नाम पे कई लोग ये देखभाल करता था, वो खुद उसका फाइनेंस करता था, उसका नाम हेमंत है। वो वहाँ पे जो डौकी क्षेत्र में नगला बोला एक वहाँ पे देसी शराब का टेका था, वहाँ पे लोगों ने लेके पिया था। इसी तरीके वहाँ पे भी मॉडस ऑपरेंडी था, जो चार लोग मरा है वो भी दिन में उसी टैका देसी शराब का टैका है, जो हेमंत का टैका उससे लिया था इन लोगों ने और उस रात में पिया है। उसके बाद जो दिन का टाइम में भी उनसे पिया और जो सुबह के टाइम पे जो गांव में जो महिला है उनसे लिया था और उनसे पिया था। और उसके बाद उन लोगों का पूरा सबका अचानक सबका भारी में लगातार उन लोग का तबीयत खराब होने लगा, कुछ लोग हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में मर गया, कुछ लोग हॉस्पिटल में जाके मरा है, बाद में वहाँ भी पुलिस पोस्टमार्टम करे, पोस्टमार्टम में वहाँ पे भी मिताईलाल का एविडेंस आई। उसके आधार पर पुलिस ने उन लोगों का सबका जो वहाँ पे जो टैका में काम करने वाले लोग हैं, सेल्समैन है और कुछ टैका मालिक है, उनके भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और गाँव में जो बेचने वाला महिला है उनके भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी इसके जो मेन सरगना है जो हेमंत और दारा सिंह, ये दोनों लोग का पुलिस ने उनके इनाम घोषित किया, मैंने नारा स्तर पर 25,000 का इनाम घोषित किया। उसके दोनों को पकड़ने के लिए हमने SP वेस्ट, SP ईस्ट और SP सिटी के नेतृत्व में टीम गठित कर लिया हम लोगों ने और लगातार इनका दबिश जारी है और इनसे जुड़ा हुआ लोग और इस शराब से जो कारोबार करता जो अवैध शराब से उन लोगों का सबका पुलिस ने डोजियर बना दिया। अभी कई लोग हम लोग उसके लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इसके साथ साथ जनपद में पिछले 24 आवर्स में कई थाना क्षेत्र में लगभग 16 लोगों की गिरफ्तारी किया, उनसे भारी मात्रा में दारू भी रिकवरी किया, उनके भी सब पूरा जांच कर रहा हूँ। इन लोगों का सबका कहना, हम लोग शराब का टैका से लिया है कि घर पे बेचता था और दुकान में बेचते, सरकार उनका कहना है, उसका पूरा वेरिफिकेशन हो रही है, उसका भी इंट्रोगेशन चल रही है, टीम गठित कर उसका भी हम विचार कर रहा हूँ। ये जो शराब तस्करी जनपद में हो रही है उसका सख्ती से कार्रवाई करने के लिए लगातार हमने कई थाना क्षेत्र में टीम गठित करके हमारा जनपद का पुलिस लगातार इस पर शराब तस्कर को पकड़ने में लगी हुई है।